काय भाऊ नाही कुठल्या चॅनलमध्ये हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों देखो आज है 14 फरवरी। तो आज है दोस्तों हमारे कॉलेज में अद्वैत इवेंट जो कि है टेक फेस्ट 2024। तो हाँ दोस्तों आज टेक फेस्ट है तो काफ़ी सही व्लॉग बनने वाला है दोस्तों। दो दिन है मतलब 14 तारीख और 15 तारीख को है तो दोनों दिन का सही व्लॉग बनाऊंगा। और अभी देखो यहाँ बस अपनी अपनी विशेष लिखना है तो मैं तो लिख रहा हूँ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्योंकि यहाँ लिखा है देखो मी अभियंता झाल्यावर काय करणार। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा अभी बस जस्ट चालू हुआ तो ये सफ़ेद दिख रहा है। और ये देखो अपना दोस्त अनुराग दोस्तों आज टेक फेस्ट में दोस्तों कमिटी में है। और यहाँ देखो लोग क्या क्या लिख रहे हैं मन में जो आया वो लिख दे रहे। तो लास्ट में दिखाऊंगा मैं व्लॉग के तब पूरा काला काला हो जाएगा ये पूरा लिख लिख के पूरा भर जाएगा दोस्तों। ये देखो अनिकेत अपना महेश झुंड झुंड जय श्री राम। आवाज नहीं निकला रे तुमचा। दोस्तों मैंने बोला था इवेंट के आखिरी में दिखाऊंगा कि पूरा मतलब भर जाएगा है लेकिन अभी देखो 2 घंटे भी नहीं हुए इवेंट चालू होके और यहाँ का तो पूरा मतलब जगह ही नहीं बची अभी। तो हाँ ये देखो मानस अपना दोस्त। तो दोस्तों फुल मजा आ रही है आज और कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है जो व्लॉग में नहीं दिखा पा रहा हूँ नहीं तो दोस्त लोग फुल मार देंगे। और यहाँ देखो यहाँ पे भी चिट्स चिपा के अभिव्यक्ति का दोस्तों इवेंट है ये। दोस्तों अभिव्यक्ति एक क्लब है हमारे कॉलेज में बहुत से क्लब है कल्चरल में विहंग है दोस्तों और खतरनाक है। और यहाँ पे की विशेष तो नहीं दिखा सकता हूँ। ये देखो कैडेट तुषार अपने भाई तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे चिट्स है तो नहीं दिख पा रहे होंगे लेकिन ये देखो ओमकार ने लिखी हुई दोस्तों 2-3 शायरियाँ और कविताएं दिखा देता हूँ। ये देखो 2-3 लिखा है तो हाँ पॉज कीजिए वीडियो और पढ़िए दोस्तों और बताना कैसा लगा कमेंट में क्योंकि अपना दोस्त ही है लिखते रहता है ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग। कौन आला है और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज का तो दोस्तों ड्रोन तो बनता ही है लेकिन यहाँ ड्रोन से खेलने की कंपटीशन है यार। देखो बराबर फुल पजल वगैरह सॉल्व करने हैं देखो भैया लोग कर रहे हैं। हाँ जिसको आता है वही करता है। प्राइस भी है मतलब प्राइस है इसके लिए और एंट्री फी भी है कुछ 50-60 रुपये तो हाँ उतना तो वर्थ है दोस्तों। पूरे टेक फेस्ट में इस बार 2 लाख के प्राइस देने वाले हैं दोस्तों। मर्डर मिस्ट्री भी है मर्डर मिस्ट्री में 17,000 का प्राइस है दोस्तों। तो हाँ देखो अभी क्या खतरनाक दोस्तों ड्रोन वगैरह भी यही बनाया गया है और मस्त खेल रहा है। अभी हम भी देखते हैं मौका मिला तो जरूर ट्राई करेंगे। पार्टिसिपेंट्स के नाम वगैरह लिखे जा रहे हैं दोस्तों। देखो अभी भैया सब रूल्स वगैरह बता रहे हैं और पूरे दोस्त लोग यहाँ है और ये देखो सब वॉलेंटियर्स दोस्तों। हमारा डीवाईपी का ट्रैक क्लब का बनाए हुए सारे प्रोजेक्ट से उसको हम आज एग्जीबिशन में रखे टेक फेस्ट के लिए। तो ये हमारा ओमनीबॉट है ये कोई भी डायरेक्शन में घूमता है फ्रंट बैक रोटेट भी करता है और ऐसे सर्कुलर पाथ पे भी घूमता है। नेक्स्ट हमारा ये लाइन फॉलोअर है इसके नीचे आयर सेंसर्स लगे जहाँ पे भी वो डार्क लाइन ब्लैक लाइन सेंस करेगा उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ये हमारा वर्सटाइल बॉट है फ्लाई बर्ड भी इसको हमने खुद से बनाया। इसमें हम
खुद से हम कोड कर सकते हैं कि इसको क्या टास्क देना है, जैसे कि ये इमेज भी सॉल्व कर सकता है, लाइन भी फॉलो कर सकता है, ये ऑब्स्टिकल अवॉइड कर सकता है, ये तीनों टास्क ये कर सकता है और भी एडिशनल, और ये हमारा मेज फॉलोअर है सिंपल सा। ये भी आयर सेंसर्स लगे हैं, जिस डायरेक्शन में वो उसको आयर से रीडिंग नहीं मिलेगी उस डायरेक्शन में वो टर्न लेगा। ये कंट्रोलर है, ये ड्रोन है, पूरा एल्यूमिनियम बॉडी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सब क्लब ने ही बनाया है, पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्लब का ही। फिलहाल अभी इसके पायलट हमारे नहीं है इसलिए नहीं। ये पीसीबी सर्किट क्लब ने ही बनाया है खुद से, मुझे है ना, देख सकते हो। हमारे सेल्फ बैलेंसिंग बॉट है, इसको कोई भी प्लेन में रखे तो ये खुद से बैलेंस करने लगा। फिलहाल ये स्लोप में है ना, अनइवन है, इसलिए ये यहाँ पे ठीक से नहीं चल रहा। नीचे ग्राउंड भी अनइवन है इसलिए, पर आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में किया अपोजिट ले। और ये फाइनल हमारा रोबोटिक आर्म है, इससे आप कोई भी चीज़ यहाँ से उठा के दूसरे साइड रख सकते हो। एक बार कौन से क्लब ने बनाया उसका इंट्रो दे देना। ड्रेक दिव्या पाटिल रोबोटिक्स एंड एआई क्लब, हमारा अभी इवेंट भी है वहाँ पे ड्रोन रेस। हाँ, पीछे हमारा रोबोट रेस का ही है। हाँ, वो कब चालू होने वाला है? ठीक है ठीक, ड्रोन रेस। थैंक यू भैया, ड्रोन रेस शुरू। दोस्तों जैसे भैया ने बताया ड्रोन रेस शुरू हो चुकी है, और देखो पजल सॉल्व करते करते जा रहा है, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप खुद ही देख लो। आपने अभी ड्रोन रेस देखी दोस्तों, उसका देखो पूरा कंट्रोल ऐसा कुछ रहता है, और ये कुछ देखो सब लोग जानकारी रह रहे हैं, और भैया के हाथ में ड्रोन है तो वो भी दिखाऊंगा ही दोस्तों। अभी बस एक भैया ने तो बहुत सही चलाया, अभी दूसरे ट्राई करेंगे। ये देखो ये ड्रोन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है और बहुत पावरफुल है, जैसे लग रहा है छोटा सा वैसे नहीं है। और ये देखो ये कुछ दूसरा है, अभी इस पर कुछ तो भी लगाया जा रहा है, ये भी दोस्तों उड़ता है ऊपर, ये भी ड्रोन ही है। तो हाँ, और ये अपना दोस्त अनुराग दोस्तों टी शर्ट के साथ बता रहा है। ये आ चुका है दूसरे क्लब की तरफ जो कि है ऑफ बिट स्टूडियो, और यहाँ चल रहा है दोस्तों पबजी वैलोरेंट फ्री फायर के मैचेस। तो हाँ, टीम पहले से रजिस्टर करनी पड़ती है जो भी दोस्त लोग खेलने वाले हैं चार जन की, और फिर उसी के हिसाब से दोस्तों मैचेस लगते हैं। और यहाँ पे भी कैश प्राइज है दोस्तों दोनों टीम के लिए, फर्स्ट और सेकेंड प्राइजेस है। देखो कितना बड़ा टेंट लगा के रखा है, और ये देखो अंदर से, क्योंकि पबजी तो बहुत लोग खेलते हैं यार, पबजी और फ्री फायर। तो बस देखो यहाँ फुल मैचेस चल रहे हैं, अभी तो फिलहाल स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी सब गेमर्स लोग बहुत सही दोस्तों, प्रैक्टिस भी चल रही है उनकी। और देखो ये भी एक टैलेंट बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन में जीत के आना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और देखो सब दोस्त लोग अभी मैच चालू होने की है, मैच चालू होने के बाद का सिनारियो दिखा दो दोस्तों, पूरे मतलब टेबल के नीचे घुस जाते हैं। और ये देखो सब लोग हैं यहाँ, फुल वॉलेंटियर्स वगैरह भी है।
दोस्तों देखो अभी यहाँ पे गाड़िया बनाई है और फिर उसकी गेमिंग चल रही है दोस्तों। देखो फुल ट्रैक वगैरह पूरा बनाया गया है और सही सही मतलब ऐसा इनोवेटिव आइडियाज दोस्तों टेक फेस्ट पे देखते हुए अच्छा लगता है कि हाँ अपन भी इंजीनियर है, अपने को भी कुछ ना कुछ बनाने का ऐसा मोटिवेशन मिलता है। हाँ मैं तो ENTC इंजीनियर हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मेरी ब्रांच है, तो ये सब तो बनाना पड़ेगा ही ना यार, तो दिखाऊंगा ही। और अपना ब्लॉगिंग चैनल भी है, उस पर तो पूरा आता ही है। आप अभी जो जो मेरे दोस्त लोग नहीं आ रहे हैं, आ सकते हैं फेस्ट पे, कुछ कारण है, तो वो तो बोल रहे हैं कि भाई तेरा ब्लॉग देख के ऐसा लग रहा है कि हम फेस्ट में है, अपडेट नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। तो देखो पूरा फेस्ट। और यार देखो ये गाड़ी जो हमने अभी भैया ने पहले ब्लॉग में एक्सप्लेन की थी वही गाड़ी दोस्तों अभी ट्रायल चल रहा है यहाँ पे। तो हाँ देखो पूरे रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बंदे बहुत सही तरीके से यहाँ पे अभी गाड़ी वगैरह चला रहे हैं। तो चलो ये तो होते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैसा और सेसा क्लब है तो उनका भी सब देखना है, वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा यार। और नेक्स्ट ब्लॉग में और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है जो कि है कार शो। तो दोस्तों हाँ DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आकोडी का कार शो बहुत सही रहता है, तो ज़रूर देखना। अभी बस ये व्लॉग यही एंड करता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगता है।